Ano ang pag? नुसरी कौन है और उनके अकायद क्या है? तो मैं नुसरी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नुसरी था, मैं नुसरी नहीं हूँ। और पाकिस्तान में कोई नुसरी नहीं है, आप में नुसरी बनने की हिम्मत भी नहीं है कभी नुसरी। मतलब इंटरनेट का जमाना है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह किसी को नुसरी किसी को वाली कह देते हैं। इंटरनेट पर मौजूद है नुसरी, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और क्या उनकी रसूमात हैं, क्या रिवायात हैं, हर चीज़ मौजूद है। नुसरी वो हैं जो मौला अली को अल्लाह मानते हैं, तो बाकी अहमा को वो नहीं मानते और ना कुरान को मानते हैं ना रसूल खुदा को मानते हैं, वो सिर्फ मौला अली को अल्लाह मानते हैं, वो नुसरी हैं। आज उनकी तादाद शाम में काफ़ी ज़्यादा, और शाम का जो सदर है बशार अल असद, आज जो सदर मौजूद है और उसका बाप भी हाफिज़ुल असद नुसरी था। अगर नुसरी इतने बुरे हैं और नुसरी इतने ख़राब हैं तो ये उसूलियों का जो टूडा रहबर है ये बशार अल असद के आगे पीछे क्यों घूमता है? अगर नुसरी इतने बुरे हैं, पूरी दुनिया ने चाहा कि नुसरी की हुकूमत को गिरा दें शाम में, नुसरी तो अपना मुल्क छोड़ के भागा तक नहीं। उसूलियों का टूडा रहबर पीछे पीछे भागता रहता है बशार अल असद नुसरी के, और सबूत चाहिए उसके नुसरी होने का। वैसे तो आप इंटरनेट पर अभी सर्च करें अलवी आएगा, असल में दुनिया में नुसरियों को अलवी कहा जाता है, पाकिस्तान में नुसरी कहते हैं, अरब के अंदर इनको अलवी कहा जाता है और ईरान में अलीउल्लाह ही कहा जाता है या नेमतुल्लाह ही कहा जाता है। ईरान में जब आप आके नुसरी बोलोगे तो वो नहीं जानते नुसरी क्या है, वो कहेंगे अलीउल्लाह ही, यानी अली को अल्लाह मानने वाले। और दुनिया के अंदर, अरब की दुनिया के अंदर नुसरियों को अलवी कहा जाता है, और ये अलवी ही थे बाद में, कुछ लोगों ने इन्हें नुसरी कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने अलीउल्लाह ही कहना शुरू कर दिया। और ये रसूल खुदा के ज़माने से हैं। मदीनतुल मुआज्जिज किताब है, उर्दू तर्जुमा हो गया है, उसमें ये वाकया लिखा हुआ है नुसरी वाला। नुसरी नहीं मतलब जो भी लोग अली को शिया कहते थे। तो कुछ मुसलमान आए मौला की खिदमत में और कहा कि मौला कुछ लोग आपको खुदा कह रहे हैं, तो उनको वही सजा दें जो आपने अब्दुल्लाह इब्ने सबा को दी थी। अब्दुल्लाह इब्ने सबा एक मुनाफिक था और मौला ने उसको काट के जला दिया था। मौला ने कहा ठीक है। मौला गए, नुसरियों को पहले हुज्जत तमाम की, कत्ल किया, आग लगा दी, राग को उड़ा दिया। ये जो मुकसर जो नुसरियों को मारा गया था ये बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, इनके पास मालो दौलत कोई नहीं थी। तो जब इनको मार दिया, मौला ने मार दिया, चले गए। अगले दिन मुसलमान फिर भागे भागे मौला के पास आए। मुसलमानों ने कहा मौला वो तो नुसरी तो जिंदा हो गए दोबारा, जिनको कल आपने मारा था वो आज जिंदा हो गए, और जिंदा होके पहले जैसी सूरत में नहीं है, अब तो मालो असबाब भी है उनके पास और उन्हें यकीन कामिल हो गया यही खुदा है, क्योंकि जला के तो अल्लाह ही मारता है। फिर मौला आ गए, मौला ने कहा मैं क्या करूँ? मुसलमानों ने कहा फिर इन्हें मार दें। मौला आए, नुसरियों को जद तमाम की कि मैं खुदा नहीं हूँ, नुसरी नहीं माने। मौला ने नुसरियों को कत्ल किया, आग लगाई, राख हवा में उड़ा दी। फिर अगले दिन यही हुआ, मुसलमान फिर मौला के पास आए, मौला वो नुसरी तो जिंदा हो गए और पहले से और बेहतर हालत में आ गए। अब 40 दिन ही सिलसिला चला है, 40 दिन मौला नुसरियों को मारते रहे हैं, आग लगा के जलाते रहे हैं, उनकी राख को हवा में उड़ाते रहे हैं, और 40 दिन नुसरी जिंदा होते रहे हैं। 40वें दिन जब दोबारा मुसलमान आए ना मौला के पास कि मौला वो तो फिर जिंदा हो गए और अब तो हमसे भी ज़्यादा मालो दौलत में अमीर हो गए हैं, वो इसको दोबारा कत्ल कीजिए। मौला ने कहा देखो मैं तो तुम्हारे कहने पर बार बार इन्हें कत्ल करता हूँ, जब अल्लाह उन्हें जिंदा रखना चाहता है तो तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? मैं मार देता हूँ, अल्लाह जिंदा कर देता है, बात खत्म हो गई। तो नुसरी तब से चले आ रहे। फिर नुसरी जाकर शाम में ही आबाद क्यों हुए थे? शाम में इसलिए आबाद हुए कि 70 सालों तक या 90 सालों तक 40,000 मेंबरों से मौला अली पे तबर्रा किया गया था शाम में। माविया ने तबर्रा कराया और माविया की औलाद करती रही, फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आके वो तबर्रा बंद कराया। तो बाद रिवायतों में 90 साल, बाद 70 साल ये तबर्रा मौला पर हुआ 40,000 मेंबरों से जुम्मे के खुतबे में। तो आज ये मकाफात अमल है कि जिस शाम के अंदर मौला पे तबर्रा होता था, जहाँ मौला को बुरा भला कहा जाता था, आज वहाँ शाम में हाकिम बैठे हैं जो अली को अल्लाह कहते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता। ये वही शाम है जहाँ आले मोहम्मद को पे मकना और चादर फिराया गया था, जहाँ मदालिम ढाए गए थे, जहाँ शहीदों के सर नेज़ों पे चढ़ा के लाए गए थे, ये वही शाम है। और आज वहाँ पर नुसरी बैठे हैं। मकाफात अमल है ये और कुछ नहीं है।
اور جو حضرات مسیحیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نشے معصوم موجود نہیں ہے. ہم دیکھیں اثناشری ہیں، امامی ہیں، اخباری ہیں، ہم ہر عمل وہ کریں گے جو حدیث معصوم سے ثابت ہو. مسیحری پہ تبرع کرنا معصومین سے ثابت نہیں ہے، ہم تبرع نہیں کریں گے. معصومین نے غالیوں پہ تبرع کیا، معصومین نے مقصرین پہ تبرع کیا، معصومین نے ناسپیوں پہ تبرع کیا، معصومین نے سنیوں پہ تبرع کیا، مگر مسیحری پہ نہیں کیا. اب یہ تو نہیں مسیحری موجود نہیں تھے، مسیحری موجود تھے امام کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے. قرآن اتر رہا تھا، جب قرآن میں ان لوگوں کی مذمت ہو سکتی ہے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو قرآن میں اللہ نے نصیریوں کی مذمت کیوں نہیں کی تاکہ اللہ کو پکڑو پہلے. اور پھر ائمہ کی آج تک کی کسی لکھی ہوئی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ معصومین نے نصیری کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجی ہو. جب معصومین نے نصیری کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کی ہے تو ہم یہ لعنت نہیں کریں گے کبھی بھی. ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے، یہ بات سچ ہے، نصیری شیعہ نہیں ہے، نصیریوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر نصیری علی کے حقدار ہیں اور علی کے حقدار پہ تبرع نہیں ہوتا اور علی کا حقدار حرامی نہیں ہوتا، اور جو خود حرامی ہیں وہ اچھے نہیں لگتے نصیریوں پہ تبرع کرتے ہوئے. تو جتنے بھی لوگ ممبروں سے اچھل اچھل کے نصیریوں پہ تبرع کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نصیریوں پہ تبرع کرا رہے ہیں، پہلے وہ نشے معصوم لے کے آئے، اخبار معصوم لے کے آئے، ہمیں دکھائیں معصومین نے نصیری پہ تبرع کیا ہو، اگر کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تو لعنت پلٹ کے انہیں پر آئے گی جو نصیریوں پہ تبرع کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں.